अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर निसा। मेरे चैनल में आपका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी पूरी। ये बहुत ही हेल्थी होता है और खाने में इसका जायका भी बहुत बेहतरीन आता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मेथी ली है। इसे मैंने अच्छे से क्लीन करके 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है तो सफाई पर भी ध्यान देना है। इसे मैं ब्लांच कर लूँगी, ओवर कुक नहीं करूँगी। और इसके साथ मैं ये 2 हरी मिर्चें और कुछ लहसुन की कलियां डाल दूंगी। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और बर्तन को रख दिया है पकने के लिए। ऊपर लगाकर गैस के फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें जो भी बचा हुआ पानी है हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे साथ में ग्राइंड कर देंगे। और एकदम स्मूथ पेस्ट भी नहीं बनाना है हमको, दरदरा पीसना है। ठंडा करने के लिए मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे इस तरह से फैला देंगे। मेथी ठंडी हो गई है, हम इसे जार में डाल लेंगे पीसने के लिए। हाँ, इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है मैंने। पीसने के बाद मेथी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हम आटा तैयार कर लेंगे गूंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, वाइन 1 छोटा चम्मच। इसे इस तरह से हाथ से मसक के डालें तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हींग 2 चुटकी, हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक। पूरी में नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक रखिए। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, तेल 1 टेबल स्पून। ये मेथी के पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे घूमकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हाँ, हमारा डो तैयार है। आटे से हम छोटी छोटी पेड़े बना लेंगे। रहमान रहीम। इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो, हमारी पूरियां फटाफट एक ही शेप की तैयार हो जाए। ले लिया इस तरह से इसे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप है। इसे हम सूखा आटा लगाएंगे और इसकी एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे। आप ज़रूर बनाइए इसे, अपने घर पर ट्राई कीजिए बना के। मेथी वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ वालों के लिए तो और अच्छी है। आप पूरी की जगह पे इसे बगैर ऑयल के रोटी भी बना के दे सकते हैं अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो तो। उसे ये इस तरह से बनाना है हमें। मैं सारी रोटियों को इसी तरह बेल लूँगी, पूरियों को। अगर आपके बच्चे मेथी खाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं अगर वो पसंद करते हों तब, वरना मेथी का जो कड़वापन है वो बच्चे पसंद नहीं करते आप। लेकिन उन्हें भी खिलाने की कोशिश कीजिए, खाएं तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट। माशाल्लाह तकरीबन मेरी सारी पूरियाँ बेल कर तैयार हो गई हैं। मैंने चूल्हे पर पैन रख दिया है, डाल दिया है उसमें और गैस के फ्लेम को ऑन भी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है पूरियों को फ्राई करने के लिए। इसे टर्न कर दूंगी। माशाल्लाह हमारी सारी पूरियां अच्छे से फूकी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हमारी ये है मेथी की
हमारी सारी पूरियाँ फ्राई करके तैयार है खाने के लिए। अगर आपको मेरी पूरी की ये रेसिपी पसंद आई, मेथी पूरी की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।